This video is sponsored by KW Delhi 6. नमस्कार, हमने अपने पहले वीडियो में कॉन्फिडेंस के बारे में बात की थी, जिसमें वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड दैट वाज अबाउट बीइंग इनफ, अबाउट नॉट सीकिंग वैलिडेशन। पर सच तो ये है कि हम सब वैलिडेशन चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम मांगते हैं। तो फिर ये कहना बड़ा आसान है कि वैलिडेशन मत लीजिए, मत ढूंढिए, पर हम सबको ज़रूरत होती है। तो फिर हम किस तरह से इस ज़रूरत से आगे बढ़ें, क्या करें कि हमें ये लगे कि वी आर इनफ। आजकल बहुत तरह के अवार्ड्स हैं, अचीवर्स अवार्ड, एक्सेलेंस अवार्ड। मैं कई बार सोचती हूँ क्या हम सबको एक अवार्ड की ज़रूरत है हमें ये बताने के लिए दैट वी हैव डन इनफ। वो वैलिडेशन क्या हमें सिर्फ एक अवार्ड से ही मिलेगी? अगर कोई मुझे ये कहे कि आपको एक अवार्ड मिला है या किसी को अवार्ड मिले, क्या हमें तभी वैलिडेशन मिलेगी कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया? आखिर समाज के बनाए दायरों में से निकल कर अगर हम अपने लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपनी मर्जी से हम पढ़ाई कर रहे हों, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हों, अपनी मर्जी से कोई एक दिन निकल कर अपने दोस्तों के साथ बाहर अगर चले गए, isn't that enough? Isn't that a way for us to know that yes, we are doing what we like doing? अगर हम इतना ही सोचें तो शायद हमारी वैलिडेशन की नीड कम हो जाए। द नीड फॉर मी टू गो अहेड और गो आउटसाइड एंड आस्क पीपल, क्या मेरी डिसीजन सही है, क्या मेरी चॉइसेस सही है। अगर मैं ये सोचने लगूं कि आखिर मैं अपनी मर्जी से कुछ कर रही हूँ, इसमें सही गलत का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपनी मर्जी से की गई चीज़ तो सही होती है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर for limited period. Go and read our project highlights. It's very interesting. Hamari need to be enough kabhi khatam nahi hoti. Hamari need for validation kabhi khatam nahi hoti. And which is why I thought ki is video mein main isi baare mein baat karun. Kyunki jaisa maine kaha pichle video mein, maine ye zarur kaha tha ki we should not seek validation. पर हर रोज़ में करने में और कहने में फ़र्क होता है, और अपने आप को समझाने में और भी ज़्यादा फर्क होता है। ये सोचिए, आप जहाँ पर भी पहुँची हैं आज, या कोई भी, नॉट नेसेसरली वुमेन, इवन मेन, वेर एवर दे हैव रीच्ड टुडे इज बिकॉज ऑफ एन एफर्ट, इज बिकॉज ऑफ वट एवर दे हैव पुट इन, वेर एवर दे आर, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम द डिसीजन सीम्ड राइट। So, we are today as a sum total of our experiences, सही गलत जैसे भी थे, वो experiences हमें यहाँ लेकर आए हैं जहाँ हम आज हैं। So, we are enough because of that, right? तो validation किस लिए? ये सारी चीजें सुनने में आसान लगती हैं, पर मैं आपसे एक request करूँगी। कभी भी जब आपको time मिले, ये सोचिएगा कि आप कितनी सक्सेसफुल है, आपने अपनी मर्जी से क्या क्या किया है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले वीडियो में अपनी स्ट्रेंथ्स और सक्सेसेस लिखने के बारे में बात की थी, आज मैं आपसे फिर से वही बात कहती हूँ। लिखिए कि आपने अपनी मर्जी से क्या क्या किया है और आप कहाँ तक पहुँची हैं, बिकॉज दैट जर्नी विल टेल यू दैट यू एक्चुअली डू नॉट नीड वैलिडेशन। वो दोनों पॉइंट्स इसी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम ये वैलिडेशन ढूंढना छोड़ देते हैं, जब हम इस बात की रियलाइजेशन हमें होती है कि हमने कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या हमने किया है, समाज के दायरों को किस तरह से तोड़ने की हमने कोशिश की है, जितना ये समाज हमें बांधने की कोशिश करता है, हमने उसके बावजूद उस बंधन को तोड़े बिना हमने कितना कुछ करने की कोशिश की है कई बार,
that realization will make us believe that actually we are worth so much than what, so much more than what the world wants us to believe. Because we are all enough and we do not need validation. I hope you will think about this, and I hope aap agar phase ya aapko lagta hai ki अभी भी अगर लगता है कि नहीं, यू आर नॉट इनफ एंड यू आर नॉट आइकॉनिक एंड यू आर नॉट एन एक्सेलेंट अचीवर, यू विल रीच आउट टू मी एंड आई होप आई विल बी एबल टू ऐड वैल्यू. क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब अपनी चॉइसेस खुद लेने की कोशिश करें एंड वी ऑल बिलीव दैट वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू थिंग्स आवर वे एंड वी आर ऑल इनफ इन आवर ओन वे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर फर्दर डिटेल्स contact us at 8010908888. Thank you.